नमस्कार आदाब। दृश्य मीडिया के इस बेहद खास पेशकश वातायन में आपका स्वागत है। वातायन वो झरोखा है या वो छोटी सी खिड़की जहां से हम देखने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ शख्सियत की जिंदगी और उनके सफर के बारे में। तो हमारी इस कोशिश की पहली कड़ी में आज हमारे साथ हैं एक बेहद बेहद खास मेहमान जिनका तारुफ हमें ले जाता है आज से तकरीबन 800 850 साल पहले कि दिल्ली में, जहां होते हैं अमीर खुसरो, जहां होते हैं निजामुद्दीन औलिया, और यहां से शुरू होता है हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायकी और विभिन्न तरह के तान का सफर। तो आज हमारे साथ हैं दिल्ली घराना से ताल्लुक रखने वाले एक बेहद अजीम फनकार जिन्होंने महज पांच साल की छोटी सी उम्र से हिंदुस्तानी संगीत को अपना जीवन दिया है। आपने न केवल देश बल्कि विदेशों में भी कई जगह अपने परफॉर्मेंसेस से लोगों को आकर्षित किया है और देश के लगभग जाने माने सभी फनकारों के साथ स्टेज भी शेयर किया है। तो आज हमारे साथ हैं उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब, आइए उनका स्वागत करते हैं। निषादों की छूट बहुत बहुत स्वागत है उस्ताद जी आपका हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम वातायन में। सबको मेरा नमस्कार साहब। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो अभी अभी जैसे हम बता रहे थे कि आप की बात जब होती है तो दरअसल ये सिर्फ आपकी बात नहीं होती, ये उस पूरे 850 साल के इतिहास की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो पहली बात आपसे मैं करना चाहूंगा कि आप जिस गायकी के जिस परंपरा से आते हैं, जिस बेहद रवायती या जिसको ट्रेडिशनल परंपरा कह सकते हैं उससे आते हैं, तो सबसे पहले आप जैसे बेहद अजीम फनकार से मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो ये घराना है, जैसे अब आजकल जो लोग नए नए सीखते हैं या नए नए आते हैं या संगीत में जिनकी रुचि है तो वो जानना चाहते हैं कि जो घराना का पूरा कॉन्सेप्ट है, तो ये घराना का कॉन्सेप्ट क्या है और फिर दिल्ली घराना की खासियत उसमें क्या है, किस तरह की गायकी होती है और क्यों, मतलब किस लिए कैसे अलग होता है दिल्ली घराना और घराने से? देखिए, वैसे तो हर घराने की अपनी खासियत होती है जी, और लेकिन दिल्ली घराना जो है वो सबसे प्राचीन और पुराना घराना है जी, और इसकी जो बुनियाद थी वो हजरत अमीर खुसरो ने रखी थी, फिर बाद में उनके ही एक शागिर्द थे मियां सामती जी, उन्होंने इस घराने को आगे बढ़ाया जी। हजरत अमीर खुसरो ने
ख्याल गायकी की शुरुआत करी जी तो सबसे बड़ी बात तो अपना एक अलगपन यही हो जाता है कि ख्याल गायकी एक अलग तरह की गायकी निकल के आई दुनिया के सामने। जी ठीक है, क्योंकि जी जी ख्याल जो है वो अपने आप में हमारी कल्पना है, हमारी सोच है। इससे पहले ध्रुपद धमाल लोग गाते थे, जी हजरत अमीर खुसरो ने ध्रुपद धमाल को कमर्शलाइज करके ख्याल जी गायकी बनाई और उसमें बहुत सारी उन्होंने होरिया भी लिखी जी और उनका सूफी संगीत में भी बहुत योगदान रहा। तो दिल्ली घराने की जो खसूसियात हैं जी वो ये हैं कि इनमें तानों पे बड़ा जोर दिया जाता है, तानों में जो तैयारी होती है, जी जी खास तौर जी से जो बंदिशें हैं, एक तो बंदिशों का पूरा बंदिश जो होती है वो पूरी होती है, यानी कि बिल्कुल आपने उसका जिसे बोलते हैं पूरा पेड़ बनना बंदिश का। मिसाल जी के तौर पे बंदिश को एक अंदाज में नहीं गाएंगे, जब भी गाएंगे एक अलग अंदाज ही निकल के आएगा। अच्छा जी, हर बार जी नई बात तो आनी चाहिए, जब भी आप रिपीटेशन ना हो इसके अंदर, कोई चीज दोबारा ना हो, कोशिश ये होनी चाहिए दिल्ली घराने वालों की। और हमारे तानों के नाम लिए जाते हैं जो बाकी घरानों में नहीं लिए जाते, अच्छा तो तानों के तो अलग अलग प्रकार हैं, सैकड़ों प्रकार के ताने हैं। जी जी तो उस्ताद जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अगर आप ख्याल गायकी को गुनगुना दें या फिर उन तानों या बंदिशों जो 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 खसूसियत है मतलब इस घराने की उसको जरा सा अगर गुनगुना के आप हमारे दर्शकों को बताएं तो शायद बहुत उनको भी सुनने में काफी अच्छा लगेगा और उन तक बेहतर तरीके से शायद हमारी बात पहुंच पाएगी। तो जी, मैं चाहूंगा अब कि कोई जैसे जी राग भैरव है, हमारे सुबह की एक जी बंदिश है, जी 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 तो हमारे जितने भी सुबह के राग हैं वो सब इबादत के ऊपर हैं, भगवान का स्मरण करते हुए, ताकि हम ईश्वर को भी याद करें और रियाज भी हो। जी तो राग भैरव की बंदिश हमारे उस्ताद चांद खान साहब ने लिखी थी, जो मेरे पिता के उस्ताद नसीर अहमद खान साहब के ताया थे और उनके उस्ताद भी थे। तो इनकी बंदिश है, चांद रंग की अब लाज तुम्हें को, चांद रंग की अब लाज तुम्हें को, कीज दया मोके मोरे दाता, कीज दया मोके मोरे दाता, सुन ले मोरे मोरे दाता। तो ये राग भैरव में बंदिश क्या बात थी, जिसे हमारे यहाँ प्रथम राग भी बोलते हैं। तो जी, ये हर बहुत बार सुन ले बहुत मोरिया अलग अंदाज से आया है जी जी और जी इसमें कोई रिपीटेशन आपको नजर नहीं आई होगी। जी जी वाह, बहुत ही चलिए, कमाल कमाल गायकी थी। और मैं यहीं से एक सवाल उठाता हूँ कि ये जो जो गायकी का ये जो पूरा एक रागों का या तानों को सुनना ये बचपन से ही आपके साथ शुरू हो गया होगा जी क्योंकि जी 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 आप जी आप उस घराने से आते हैं जहाँ की हिंदुस्तानी संगीत को जहाँ से बहुत सारे संगीतकार बहुत सारे अजीम फनकार मिले। तो मैं सीधे सीधे अब एक बार चलता हूँ आपके बचपन की ओर जरा सा और वहां से खान साहब मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपको ये इल्म है जब आप बहुत छोटे हैं आप और आपको ये इल्म है कि आप एक पूरे इतिहास को अपने साथ लेकर चल रहे हैं
और वो इतिहास जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फनकार यहाँ आते रहे, KL सहगल साहब आते रहे, मधुबाला जब बहुत छोटी थी, मैं कहीं पढ़ रहा था दिल्ली घराना के बारे में, इस आपसे बात करने के दौरान, तो मैंने देखा कि मधुबाला जब बहुत छोटी थी और वो मधुबाला नहीं हुई थी बल्कि, तो उस वक्त भी वो आती थी, और इस तरह के अभी तक बाद में आपकी तस्वीरें हैं गुलाम अली साहब के साथ और तमाम ऐसे बेहद बड़े फनकार आते रहे हैं। तो जब आप बचपन में होंगे और बचपन में हम थोड़ा सा आपके जाते हैं और आपको ये पता है कि आप इस रवायत के साथ चल रहे हैं, तो ये कैसा उस वक्त पे ये कैसा महसूस होता था? कोई खास बेहद कोई वाकया हो, कोई ऐसी बात हो, जैसे आपके वालिद साहब उस्ताद नसीर अहमद खान साहब तो वो तान सम्राट हुए, उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, कोई खास वाकया जो आपको बचपन का याद हो या उस वक्त आप कैसा महसूस करते हो? एक होता है बचपन में लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे मेरे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, तो बचपन में एक अलग तरह का अपना ख्याल लोगों के पास होता है, तो कैसा महसूस होता था? देखिए, जब आंख खुली तो अपने आप को एक घराने में पाया। जी, और बस एक मौका ऐसा था कि एक माहौल ऐसा था कि मतलब सो रहे हैं तो संगीत में, जाग रहे हैं तो संगीत में। जी, जिस वक्त सो रहे हैं तब भी कोई रियाज कर रहा है, जब सुबह उठे तब भी कोई रियाज कर रहा है। तो एक तो हमें घराने का ये फायदा हुआ कि बचपन से कान में हमारे सुर पड़ा। और फिर जो हमारी मौसीकी मंजिल जो है जी, जो कि पुरानी दिल्ली के गली ताजिरान में है, जी वो 200 साल से पुरानी, ज्यादा पुरानी हवेली है हमारी। जी वो जी हमारे जो परदादा के जो वालिद थे उस्ताद मम्मन खान साहब के जो वालिद थे उस्ताद संगी खान साहब ने खरीदी थी। जी तो वो वहाँ उसके बाद माशाल्लाह 5-6 पीढ़ियाँ ने वहाँ पर जन्म लिया है। मेरा जन्म भी वहीं हुआ, मेरे बेटे का जन्म वहाँ हुआ। जी और वहाँ पे तकरीबन हिंदुस्तान के बड़े से बड़े आर्टिस्ट वहाँ शिरकत करने आते थे। मेरे परदादा उस्ताद मम्मन खान साहब जो थे, उनका जो इंतकाल था या उनका देहांत था वो सन 1940 में हुआ था। जी तो उनके जो बड़े बेटे थे उस्ताद चंद खान साहब, वो हर साल अपने वालिद साहब अपने पिताजी की याद में एक उनका 3 दिन का उनकी बरसी का उर्स किया करते थे, जिसमें एक दिन तो पूरी रात जो है वो कवाली होती थी और दूसरे दिन जो है वो क्लासिकल मौसीकी का पूरी रात प्रोग्राम चलता था। जी और उसमें बड़े बड़े दिग्गज लोग आते थे, उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, मतलब बरकत अली खान साहब, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित भीमसेन जोशी के उस्ताद थे उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, मतलब बहुत लोग वहाँ पे आया करते थे। मैं किन किन के नाम गिनाऊँ, माशाल्लाह सभी बड़े उस्ताद लोग आते थे। जी जी बिल्कुल, और सभी आके अपनी हाजिरी वहाँ पे दिया करते थे और सभी वहाँ पे शिरकत किया करते थे। तो कई बार तो बड़ा फिर बाद में हम लोग मुनिरिका चले गए थे, मुनिरिका डी डी फ्लैट्स आर के पुरम के पास है, वहाँ हम लोग रहा करते थे डी ब्लॉक में। अब वहाँ अक्सर एक साहब आए हमारे वाली साहब से मिलने जी, और मैं बालकनी में खड़ा हुआ था, उन्होंने वो सफ़ेद कुर्ता पाया पहने हुए, कहने के भाई आपके वाली साहब हैं, तो मैं समझा नहीं उस वक्त के वाली साहब का मतलब क्या होता। अच्छा, तो मैंने कहा जी, कहने के आपके पापा पापा, मैंने कहा जी मैं डैडी कहा करता था उनको, अपने वाली साहब को। अच्छा जी, तो मैंने कहा जी आप कौन साहब, कहने के जिनसे बोलिए गुलाम अली मिलना चाहते हैं आपसे। अच्छा मैंने कहा जी, मैं कह तो मैंने वाली साहब से कहा, मैंने कहा ठहरी आपसे मिलने कोई गुलाम अली आए हैं। तुम्हारे वाली साहब ने मेरे साथ देखा, कहने के अबे बदतमीज ऐसे नहीं बोलते, वो बड़े उस्ताद गुलाम अली खान बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, पता जाओ उनको लेकर के आओ नीचे जाओ जी, और उनके नहीं छोटे गुलाम अली खान साहब जो गजल गाते हैं। जी जी, मेरे बचपन में तो वही थे, क्योंकि मैं तो बस शायद बहुत छोटा था पैदा, जब 4-5 साल का हुआ शायद जब बड़े गुलाम अली खान साहब का इंतकाल हो गया था। लेकिन जो गुलाम अली खान साहब जो गजलों में जिन्होंने अपना बहुत बड़ा मुकाम बनाया, तो बताने का मकसद ये है कि वो जब भी हिंदुस्तान आते थे वो हमारे वाली साहब से मिलने घर पे आया करते थे हमेशा। और भी कई बड़े बड़े लोग आर्टिस्ट आया करते थे, मतलब मैं तो बाद में पता लगता था कि अच्छा फला आए हुए, क्योंकि एक डर सा लगता था वाली साहब के पास मैं कमी बैठता था। लेकिन कोई मेहमान आते थे बड़े बड़े आर्टिस्ट, उनकी चर्चा में जरूर सुनता था बैठ के, बहुत कुछ इस तरह मुझे सीखने को मिलता था। तो मतलब एक माहौल चलता था, ये तो इस तरह के बहुत से वाकयात हुए जिनसे किए था। और बड़ा मतलब कभी कभी सोचता हूँ तो बड़ी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे घराने में संगीत के माहौल में पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी से जुड़ा अगले एक और सवाल लेते हैं। तो ये भी कई बार होता है कि जैसे आप इस पूरे परंपरा का हिस्सा रहे, इस पूरे रवायत का हिस्सा रहे, तो एक अपने आप जो है एक खास तरह की जिम्मेदारी एक आ जाती है,
तो उस पे क्या ऐसा भी होता है कि उस जिम्मेदारी से कई बार मुश्किल भी किसी तरह की आती है उसके साथ, या मतलब एक खुद में महसूस होता है कि हम इस परंपरा को अपने कंधों पे लिए हुए हैं, तो उसके साथ क्या किसी खास तरह की कोई एक उलझन भी आती है, या हमेशा बहुत ये मतलब एक हमारे सबके लिए एक गर्व की बात तो होती ही है, लेकिन साथ में जी जो जी एक जो जिम्मेदारी का एहसास होता है उसको किस तरह से आपने लिया और किस तरह से देखा, और इसके बारे में कुछ जानना देखिए, चाहूंगा। एक जिम्मेदारी का तो ये है कि हमेशा एक बहुत बड़ा डर हमारे साथ रहता है जब जी भी परफॉर्म जी करते हैं बिल्कुल, स्टेज पर। क्योंकि मैं जी, क्या होता है, जब एक बहुत बड़े बाप के आप बेटे हैं तो लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत बढ़ जाती हैं। अगर आप किसी बहुत बड़े घराने से हैं जी तो हम लोगों का मसला ये है कि अगर अच्छा गाएं तो मुसीबत और बुरा गाएं तब भी मुसीबत। अच्छा गाएंगे तो भाई, ये नहीं गाएंगे तो कौन गाएगा, घराने के लोग हैं, उनको अच्छा गाना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल बुरा गाया तो बस आप समझ सकते हैं क्या फजीहत होती है कि भाई इतने बड़े बाप के बेटे हैं, बेटा आप तो गाना बजाना छोड़ ही दो, क्यों पहले बाप दादा का नाम बच्चे में खराब कर रहा हो। तो कहने वाले सीधा मुंह पे बोलते हैं, या फिर जो मतलब कुछ होने तो पेपरों में आया था। लेकिन अल्लाह का करम ये जी रहा है, खुदा का, कि कभी मेरे किसी प्रेस में कभी बुराई नहीं आई, हमेशा अल्लाह का करम है, तारीफ ही आई, लोगों ने हमेशा खुश होकर सुना, मुझे सबकी दुआएं मिली, आशीर्वाद मिला। लेकिन ये है कि जी जब आप भी कोई प्रोग्राम होता है बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर, और मैं बहुत नर्वस रहता हूँ। जी और बिल्कुल जब मुझे पता है कि मुझे आधा घंटा पौना घंटा गाना, तो उसके लिए मैं फिर 6-6 घंटे रियाज करता हूँ, फिर तब जाके स्टेज पे मैं गाने बैठता हूँ। ये तो और ये जितने मुझे भी लोग लगता सीख रहे हैं, ये सबके लिए होना चाहिए जी बिल्कुल, मैं वही कहने कि वाला था आप कि ये जितने जी नए लोग हैं जी, आप कह रहे थे कुछ हाँ मतलब जितने भी लोग हैं वो अगर स्टेज पे आधा घंटा उनको गाना है, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम उनको 3 से 4 घंटे रियाज करना चाहिए, तब जाके वो आधे घंटा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल, इसके लिए तो रियाजत बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज जो हमें सुन पा रहे हैं और उसमें से जो भी जो नए लोग होंगे जो गाना चाहते हैं और इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जी बेहद जरूरी अभी एक एक अहम जो है बात उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब ने कही है कि रियाज बहुत जरूरी है। आजकल लोग बहुत, मुझे लगता है खान साहब की बहुत एक हड़बड़ी भी है लोगों में, एक बहुत जब 2020 का जमाना आ गया है तो मुझे जी लगता जी है कि जी बहुत अच्छी बात कही आपने। और चीजों में भी ये एक हड़बड़ी का लोग बहुत जल्दी कुछ पा जाना चाहते हैं, कुछ कहीं गाकर, क्योंकि आजकल YouTube है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके लिए एक इसी के साथ अगर मैं एक एक संदेश भी दें कि किस तरीके से उन्हें रियाज करना चाहिए या कितना वक्त देना चाहिए या क्या सब अहम बातें हैं अगर आप एक अच्छे संगीतकार, एक अच्छे गायक बनना चाहते हैं, तो वो भी आप इसी माध्यम से, मैं चाहूंगा कि आप एक बार नए गाने वालों के लिए कुछ कहें। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि संगीत की तालीम बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जी जब तक आप अच्छी तरह से ABCD नहीं सीखेंगे, तब तक आप BAT बेयर और CAT केयर तक जा ही नहीं सकते। जी आपको A to Z पहले अच्छे से याद करना पड़ेगा। और संगीत जो है ना, वो हमारे संगीत की, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, वो तमाम संगीत की ABCD है, तमाम संगीत की बुनियाद है। दुनिया बिल्कुल बिल्कुल का जितना भी संगीत है वो इन्हीं सुरों से, 12 सुरों से निकल के आया है। हालांकि जो गाए जाते हैं वो 7 सुरी हैं, लेकिन कई बार तो रस्ता से 7 जन्म भी कम है संगीत में। और ये बिल्कुल सिर्फ किसी रियलिटी शो में गाना ही किसी भी कलाकार का, सिंगर का मकसद नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल ठीक बात अच्छा गाना चाहिए, आप अच्छा गाएं, लोग कहें ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा गाए, वो बड़ी चीज़ है। इंशाल्लाह कामयाबी तो मिलेगी ज़रूर, अगर आपके अंदर टैलेंट होगा, आपके अंदर अगर रियाज होगा, आपके अंदर थोड़ा बहुत तजुर्बा होगा, तो वो टैलेंट जाया नहीं जाएगा, वो जरूर सामने आएगा। क्योंकि मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे कि बेटा, जो कलाकार होता है उसका जी नसीब एक पत्ते की तरह होता है, हवा चलने के दे रहे हो, पत्ता घूम घूम जाएगा, तो नसीब खुल जाएगा वाह इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। वाह तो वही वाली बात थी कि वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। जी इंसान जो है वो मेहनत करता रहे, अपना रियाज ईमानदारी से करता रहे, अपनी तालीम उस्तादों से लेता रहे, जी तो इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब होगा इसमें। लेकिन क्योंकि यही एक ऐसा क्योंकि हर काम में शॉर्टकट नहीं होता, बिल्कुल हर बिल्कुल चीज का वक्त मुकर्रर होता है। पौधा बिल्कुल भी पेड़ बनने में वक्त लेता है और उसमें फल आने में वक्त लगता है। तो वो वही बात है कि बिल्कुल सबसे जरूरी सब्र है इस काम में। आप सब्र के साथ रियाज करें, अपने सुर साधन करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे आप। बल्कि बहुत बहुत अच्छी बात कही, बल्कि किसी भी काम में शॉर्टकट मुझे लगता है कि फिर उसका जो एक फेम है या उसका जो एक एक लाइफ है उस फेम का, या वो भी शायद जी शॉर्टकट की तरह बहुत जल्दी ही उभरता है और
फिर खत्म ही हो जाता है। तो चीजें जो रह जाती हैं वो शायद रियाज से ही रह जाती हैं। आप कुछ भी करें, आप लिखते हो, आप गाते हो, और गाने में तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही अहमियत इसकी बढ़ जाती है। तो यहीं से आपने एक दो बार आपके वाले साहब उस्ताद नशीर अहमद खान साहब का जिक्र आया, तो उनको तान सम्राट भी कहा गया है। तो मैं चाहूंगा कि एक दो तान जो उनसे आपको मिली हो विरासत में और उनसे आपने सीखा हो, उनके बगल में बैठ के बिल्कुल जब वो सिखा रहे होंगे, एक तो मैं वो मंजर जब मैं तसव्वुर करता हूँ तो मुझे लगता है कि कितना ही मतलब कितना सुरीला होता हो, कितना बेहद कितना सुकून होता होगा उस पूरे उसमें कि वो आपको सिखा रहे हैं। तो जो उनसे सीखा हो कुछ अगर गुनगुना दें हमारे देखने वालों के लिए, दर्शकों के लिए। जी देखिए, उनके गाने का एक ही मकसद हुआ करता था कि बेटा फील से गाओ, जो बोल है उन बोलों को महसूस करके गाओ। जी विलंबित में जितना सुकून ठहराव हो, ताने में उतनी ही तैयारी दिखे। बड़े आराम से वो गाते थे, लेकिन जब तान पे आते थे तो वो उसमें गमक की तान, शेर धार तान और बहुत सी तान उन्होंने खुद बनाई थी। तो एक तो उनकी शेर धार तान थी जो उन्होंने खुद बनाई थी, और एक वाइब्रेशन की तान थी जिसे जुम्बिश की तान भी बोलते, या फिर एक सुर की तान, वो उनकी खुद की बनाई हुई उनकी ईजाद थी। तो वो मैं पेश कर रहा हूँ और उम्मीद है आप लोग लगेंगे आपको उनका अंदाज। कोशिश कर रहा हूँ। कॉमन राग है राग यमन जी, तो उसमें मेरे वाजी साहब की एक बंदिश है जी जी जिसे हमारे बोलते हैं टप्पा अंदाज की बंदिश। टप्पा वो होता है जिसमें ताने होती हैं बंदिश के अंदर, तो वो मुलायदा हो। तोरे जाऊ रे जाऊ रे बलहारी, तोरे जाऊ रे जाऊ रे बलहारी, तोरे प्यारी से सूरत पे खुश रंगे के मैं बल बल जाऊं, चरण में से झुका तोरे जाऊं रे जाऊं रे जाऊं रे जाऊं रे बल। अभी तीन सप्तक की तान थी इसमें। ये एक सुर की तान। तोरे जाऊं रे जाऊं रे बल हाँ, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। मुझे लगता है कि जो लोग हमें देख रहे होंगे और जो नए गाने वाले हैं उनके बहुत कुछ सीखने लायक भी इस पूरे शो में चल रहा है। और मेरे ख्याल में कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जो मैं लूंगा बाद में फिर आप तक वो चीजें पहुंचेगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि किस तरह से रियाज को लेकर, तो उसपे हम आएंगे बाद में। उससे पहले और इस पूरे इस क्रम को बढ़ाते हुए हम दिल्ली घराना और उस तमाम तानों पे बात करेंगे, लेकिन एक मुझे लगता है कि उस बीच में एक थोड़ा सा कुछ जाती बात जो है एक होनी चाहिए। और उसमें मैं पूछना ये चाहूंगा कि जैसे कि हम सभी के मन में जो है बचपन में कुछ ना कुछ एक ख्याल होता है कि हम, और वो बदलता भी रहता है कई बार। बचपन में हम देखते हैं किसी को तो जब फिल्म में देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें एक्टर बन जाना चाहिए, फिर किसी को देखते हैं कि उसने सेंचुरी मार दी तो हमें लगता है कि हमें क्रिकेटर बन जाना चाहिए, और इस तरीके से कई सारे ख्याल आते रहते हैं और वो बदलते भी रहते हैं। हम जब 10 साल के होते हैं तो कुछ और सोचते हैं, 12 साल के होते हैं तो कुछ और सोचते हैं। लेकिन आपके साथ ये था कि एक जो है हर तरफ एक माहौल होगा जो कि गानों का ही होगा, तो उसके क्या उसके बाद भी जो उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब जब जब छोटे हैं और वो बस एक मतलब जब 10 साल के हैं 12 साल के हैं, तो क्या उनके जहन में भी ये ख्याल है कि कुछ और बने, मतलब उस वक्त ऐसा है कि कुछ एक ख्याल आया हो कि हाँ मैं, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ
कि आप मैंने थोड़ा सा फेसबुक प्रोफाइल भी देखा, टटोला और ये सब देखा, वैसे भी आपसे मिलना जुलना होता रहता है, तो मैंने देखा कि जैसे आप अमिताभ बच्चन साहब के बहुत बड़े एक प्रशंसक रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ ख्याल कभी आया कि कुछ और बनते अगर मतलब इसके साथ एक दूसरा सवाल ये भी आता है कि फर्ज करते हैं कि उस्ताद तनवीर आजाद खान साहब आज अगर गायक ना होते तो क्या होते, कुछ और जो आपके जहन में हो कि हाँ ये होता मैं। देखिए मेरी जो दिली ख्वाहिश थी, जी क्योंकि मैं मुंजिका में बताया, मेरा बचपन मुंजिका में गुजरा जी जी और मैं देखता था वाली साहब को गाते थे, जी तो पहले तो बचपन में ये समझ में नहीं आता था कि भाई मेरे वाली साहब करते क्या हैं। अच्छा मतलब 5 साल का बच्चा से पता ही नहीं है क्या भाई क्या करते जी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जैसे जो मेरे दोस्त थे, किसी के फादर डॉक्टर थे, कोई आर्मी ऑफिसर थे, क्योंकि वहाँ पे आर्मी ऑफिसर बहुत थे मुंजिका में, जो आया करते थे, किराए पे आते थे, 11 महीने रहते थे, चले जाते थे। तो शुरुआत में तो ये दिल में आया कि भाई उनकी यूनिफॉर्म देख के मेरे दिल में बड़ा आता था मन कि मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊँ। अच्छा वाह जी तो ये मेरे बचपन की ख्वाहिश थी। उसके बाद जब मैं क्रिकेट खेलने लगा तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपनी टीम का फास्ट बॉलर था, कैप्टन था, अरे वाह और मैं बहुत अच्छी बॉलिंग किया करता था, बहुत तेज बॉलिंग किया करता था, और हमेशा मैच के पहली गेंद पर विकेट लिया करता था। ये भी एक रिकॉर्ड था मेरा, ये मेरे दोस्त इस बात के गवाह है। क्या बात। तो फिर मेरे दिल में ये आया कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन फिर मतलब कभी किसी डॉक्टर को देखा तो दिल करता था नहीं डॉक्टर बन जाती है, सही है यार। फिर डॉक्टर बनने की तमन्ना रही मेरे दिल में बहुत, जी लेकिन वही बात है कि भाई जो परंपरा वाली बात थी तो घूम फिर के अपने गाने बजाने में ही आए, और नहीं वो तो हमारे खैर दौर में जी जी एक्टर भी थे उस जमाने, बड़े अच्छे अच्छे एक्टर थे, उनको देखते थे। तो फिर अमिताभ बच्चन साहब को दौर शुरू किया था हमारे वक्त में, जी जी तो वो हमारे आइडल थे, तो उनकी थोड़ी नकल किया करते थे। तो ये भी हुआ कि भी एक्टिंग ये करते थे स्कूल के अंदर, मैं नाटकों के अंदर भी हिस्सा लिया करता था। तो एक ये भी सोचा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि फिल्मों में एक्टिंग करना है। अच्छा हालांकि मैंने NSDA में भी काफ़ी काम किया है मैंने, लेकिन वहाँ पे मैं एज ए म्यूजिक कंपोजर था, वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर ही लगा हुआ था। अच्छा अच्छा मैंने NK शर्मा साहब के साथ काफ़ी काम किया है, और भी काफ़ी लोग हैं वहाँ पर। और तो लेकिन वही बात है कि रूह हमारी जो है संगीतकार की है, वो बदल नहीं सकती। वो तो हमें हमारे घूम लिए फिर के बहुत गाने बजाने में आना था, वो आ गया। ये तो जी जी ये तो हमारी खुशी भी है कि आपको हम इतने मतलब सुन पा रहे हैं और आप। लेकिन हाँ ये मुझे लगता है कि बहुत नई बात शायद आपके चाहने वालों को और जो भी आपके आसपास भी रहे हो उनको भी शायद एक नई बात पता चली होगी कि आप एक बहुत बहुत अच्छे फास्ट बॉलर भी रहे हैं, तो ये एक जी जी बहुत अच्छी और नई बात निकल के सामने आई। लेकिन फिर से हम उसी परंपरा पे आते हैं जो कि बहुत ही बेहद अच्छी बात है और हमारे लिए खुशनसीबी है दरअसल कि हम आपको अभी 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 भी हमने इतना कुछ सुना और आगे भी सुनेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अब फिर से अगर हम चलते हैं इसी दिल्ली घराना और संगीत की परंपरा की ओर अगर हम फिर से एक बार रुख करते हैं, तो एक तो ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि आपके वाले साहब आपके पहले गुरु रहे होंगे, वो खुद में इतना बड़ा नाम है कि और कहीं जाने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन उसके बाद भी क्या कोई और भी गुरु आपके मतलब आपने किसी और गुरुओं से किसी और उस्ताद से भी क्या तालीम हासिल की या वाले साहब? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए बचपन में एक बुनियाद तो वाली साहब ने डाली, जी यानी पहले की संगीत की तालीम जो है, जी जी और सरगम भी उन्होंने शुरू करवाई। मतलब उन्होंने बकायदे मेरे पहले घंटा बांधा, धागा जो हाथ में बांधते हैं, जी उन्होंने जी मुझे शागिर्द बन के सिखाया, शागिर्द बना के सिखाया, मतलब बेटा बना के नहीं। जी ये लेकिन बहुत वही बात है कि नसीब का खेल कुछ ऐसा था कि मैं शायद 13-14 साल का था जब मेरे वाली साहब का इंतकाल हो गया, और बहुत छोटी सी उम्र थी, तो मैं ज़्यादा उनसे तालीम नहीं ले पाया, लेकिन एक बुनियाद तो उन्होंने डाल दी थी। फिर मैंने अपने चाचा उस्ताद जफर अहमद खान साहब से सीखना शुरू करा, जी जो कि हमारे दिल्ली घराने के बहुत मशहूर और मारूफ सितार वादक थे, लेकिन वो गाते ही बहुत अच्छा थे, और गाने की वो ऐसी ऐसी बारीकियाँ बताते थे कि मैं हैरान होता था। तो मैं इनके पास रहा, उनसे मैंने सीखा, और नीचे ही मेरे बड़े भाई उस्ताद दीपाल अहमद खासा माशाल्लाह आज भी हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, हजारों साल मेरे उस्ताद हैं वो। मैं उनके पास जाके उनसे मैं सीखता था, वो मुझे सिखाते थे बड़े दिल से, उन्होंने मुझे दिल खोल के तालीम दी। और
मेरी खुश नसीबी है कि मेरे दादा अब्बा हयात थे, जिंदा थे, दादा उस्मान खान साहब। जी मेरे वालिद साहब का इंतकाल पहले हुआ, हमारे दादा अब्बा को उनके 2 साल के बाद हुआ, तो मेरे पे दादा अब्बा से भी मैंने सीखा। तो जी मेरे दादा उस्ताद उस्मान खान साहब ने मुझे गाना सिखाया, जो कि मेरे वालिद साहब डैडी के भी उस्ताद थे। तो मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मेरे पे दादा से भी गाना सीखा, जी और जी फिर मेरे बिल्कुल जो ताया थे उस्ताद हिलाल अहमद खान साहब, मैंने उनसे भी ठुमरी और गज़ल की तालीम ली, और उस्ताद जहूर अहमद खान साहब जो बहुत बड़े वाले वादक थे, मैंने उनसे भी सीखा। क्योंकि सब तरफ माहौल था, जहाँ भी जाते थे संगीत हमें बढ़ता था, प्रसाद के तौर पर हमें मिलता था। अरे बिल्कुल वो चचा तो हो, ताया हो, दादा हो, जहाँ भी जाके बैठते थे गाना बजाने का हमें मौका मिलता था, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता था। इतनी खुश नसीबी है कि मतलब वाइज रहा मेरे लिए कि मैं इतने अच्छे अच्छे उस्तादों से सीखा मैंने, तो मैं इसके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा, और ये सभी मेरे उस्ताद थे। बहुत बहुत अच्छी बात है। और अपने यहाँ पे ठुमरी और गजल की बात की, तो मैं चाहूंगा कि जी एक गजल अगर आप गुनगुनाएं। जी मेरी गजल है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं, बड़ी खूबसूरत गजल है, जी तुझको जब याद किया मैंने, जी बिल्कुल और बिल्कुल मेरे उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब की ये कंपोजिशन है, और उन्होंने मुझे सिखाई है, तो मैं उसका एक जी शेर आपको पेश कर रहा हूँ, बड़ा गाऊंगा। जी बिल्कुल तुझको जब याद किया है मैं, हाँ तुझको जब याद किया मैं, पहले दिल थाम लिया ने, तुझको जब याद किया मैंने, जो कभी हो नहीं सकता पुनः, जो कभी हो नहीं सकता पुनः, उसे क्यों प्यार किया है मैंने, हाँ उसे क्यों प्यार किया है मैंने, पहले दिल थाम लिया है मैंने, तुझको जब याद किया मैंने। तो ये गजल जो है, इसकी वाह खासियत ये है वाह कि ये वाह बहुत तैयार भी है, बहुत फील वाली गजल भी है, तो ये आपने बहुत लोगों ने बहुत इस पे ध्यान दिया होगा। बहुत जी जी बहुत सारे लाइव कमेंट्स भी आ रहे हैं। सुशांत जी कह रहे हैं क्या जी कहने, जी अरे वाह। निशांत जी में कह शुक्रिया, बहुत उन्होंने बहुत बेहद शुक्र। पसंद, विभूति जी लिख रहे हैं मेरी बेहद पसंदीदा गजलों में से एक, पल्लवी लिख रही हैं, उन्होंने भी जी जी तुलिका ने कहा है माय फेवरेट। प्रतिभा जी कह रही हैं जी गुरु जी मुझे भी बहुत पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे सबको कमेंट बहुत 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 लगा, बहुत शुक्रिया, सब लोग सबको मेरा दिल से शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और उससे पहले जी एक आपकी मोहब्बत है वो तो कमेंट हमें जी जी, अच्छा जी कोई कह रहे हैं कि माइक अगर स्थायी रूप से मुंह के पास रहे तो अच्छा, वो माइक शायद ये बीच बीच में एक्चुअली हमने माइक छोड़ दिया वैसा था। है, हाँ ये वैसा लगा जी माइक। हाँ तो यहाँ से हम चलते हैं। जी जैसे इससे पहले हमारी जो बातचीत हो रही थी, तो उसमें आपने बहुत सारे अपने उस्तादों का जिक्र किया, उनका नाम लिया। और तो ये जो घराना का पूरा परंपरा है,
ये शुद्ध तौर पर मतलब गुरु शिष्य परंपरा का जो है बहुत एक बहुत अच्छा द्योतक है, और आप अपने जमाने में बजाहिर बहुत बेहद ही अच्छे शागिर्द तो रहे ही होंगे, और आज जो है उस परंपरा को आगे भी उसी तरीके से बढ़ा रहे हैं। अब आपके शागिर्द जो है वो माशाल्लाह पूरे देश और दुनिया में कई जगह पे जो है अपना नाम बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग कोनों में रोशन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ तो मैं समझता हूँ कि जैसे किसी को द्रोणाचार्य चाहिए सीखने के लिए और उसे द्रोणाचार्य की जरूरत होती है, उसी तरह एक द्रोणाचार्य को भी शायद एक अर्जुन की तलाश होती है जो उसकी उसकी बातों को आगे पहुंचाए। जी तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आज हमारे साथ आपके एक ऐसे ही बहुत बहुत प्यारे शागिर्द हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। वो अभी आएंगे हमारे साथ स्क्रीन पे, और वो जो है उसी जो उस जिस अर्जुन की मैं बात कर रहा था, तो उस अर्जुन का नाम जो है यहाँ पे होता है शुभम मोदी साहब, और मैं उनका स्वागत करता हूँ। शुभम मोदी जी भी आजकल बहुत जगहों पे क्लासेस ले रहे हैं, वो लोगों को सिखा भी रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो में उनके बहुत सारे प्रोग्राम आ चुके हैं, और देश विदेश में बहुत जगहों वो अपना नाम साउथ अमेरिका के बहुत सारे देशों में उनका नाम हुआ है। तो अब मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे शुभम मोदी साहब को, जो कि उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब के बहुत प्यारे और बहुत अच्छे शागिर्द हैं। जी शुभम भाई, जा रही है आवाज आपको? सोम जी, सोम जी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। तो शुभम भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्क्रीन पे, और मैं अभी आपके नमस्कार बारे में नमस्कार सबको। जी जी नमस्कार, कैसे हैं शुभम भाई आप? बढ़िया 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 बढ़िया। तो आजकल आप अभी अपने घर पे शायद हैं, कहाँ पे, कैसे चल रहा है ये बताइए। अभी तो फिलहाल घर पे ही हैं, क्योंकि ये टाइम जो है और फेज जो है वो ऐसे ही है, तो इसीलिए घर इस वक्त में घर की सबसे ज्यादा याद आती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसा कि भी सुन भी रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब के बारे में, जो आपके उस्ताद रहे हैं, और तो आपसे दरअसल हम जानना चाहेंगे कि आपका जब संगीत आप सीखना शुरू करते हैं, और उसके बाद कैसे पहुंचते हैं आप दिल्ली घराना तक और उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब तक, वो एक सफर जो है आपका यहाँ तक पहुंचने का, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे। जी जी। तो 2010 में मैं दिल्ली आया था, तो बेसिकली दिल्ली में आया था अपने म्यूजिक को और आगे परस्यू करने के लिए। जी। तो बेसिकली पहले तो हॉबी था, बट बाद में फिर उसको प्रोफेशन भी बनाना था। जी। तो इसीलिए फिर प्लस टू करने के बाद मैं 2010 में दिल्ली आ गया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन में म्यूजिक में ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में, और उसमें साथ में जो है मेरी मुलाकात सुहेल सईद खान से हुई, जो मेरे बैचमेट भी हैं और बहुत ही बढ़िया सितार बजाते हैं, उस्ताद सईद जफर खान साहब के बेटे हैं। अच्छा। और जो मेरे उस्ताद जी हैं वो उनके मामा भी हैं जी, रिलेशन में जी। तो इससे मुझे उस्ताद जी के बारे में पता चला, और फिर मैं उनके पास गया मिलने, और फिर ये आगे जो है सफर शुरू हुआ वहां से। सफर शुरू हुआ, वाह ये बहुत अच्छी बात है। उस्ताद सईद जफर खान साहब जो बहुत अच्छे सितार वादक हैं दिल्ली घराना से, आप उनकी जी, 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 बात कर रहे हैं जी। तो एक आपकी नजर में अगर मैं बात करूं, आपके हिसाब से बात करूं, तो एक उस्ताद के तौर पर क्या बात ऐसी है जो जो खान साहब को एक खास बनाती है आपकी नजर में? आप तो शायद 10 सालों का एक पूरा एक दशक का
सफर आपका उनके साथ है और बहुत अच्छे तरीके से जो है। तो मैं एक दो चीजें और बता दूं, मैंने कहीं कहीं ये भी, जब मैं अभी इस प्रोग्राम के लिए ऐसे ढूंढ रहा था कुछ चीजें, तो मैंने ये भी देखा बहुत लोग बहुत प्यार से, मतलब एक तो मेरी अपनी बात भी होती ही है उस्ताद जी से, तो मैं भी देखता ही हूँ कि अपने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, अपने अपने रिश्तेदार की तरह, मतलब इस तरीके से, सिर्फ संगीत की बात नहीं है, उसके बाद भी शायद बहुत प्यार से और इस तरीके से रखते हैं। तो क्या खास बात है इनमें जो आप यहाँ रहे और जो इनको खास बनाती है आपके आपके नजर में? देखिए, उस्ताद के बारे में कोई एक खास बात हो तो बता सकते हैं, सारी खास ही बातें हैं, तो इसीलिए किसी को उसमें मतलब नापतौल नहीं कर सकते उसमें कि कौन सी उनकी खास बात रही है। उन्होंने तो शुरू से ही मुझे अपने बच्चे जैसा रखा है और वैसे ही सिखाया भी है। जी जी। तो और ये बहुत ही खास बात है कि उनके जो बच्चे भी हैं या घर पे और भी जो लोग हैं, जैसे उनके बेटे हैं वैसे ही मैं, और जैसा उनके साथ बर्ताव है वैसे ही मेरे साथ भी है। क्या कमाल बात है। और तो बाकी जो उनकी खास बात है वो तो सब मतलब वो जिक्र नहीं कर सकते, वो इतनी सारी है कि उसको एक एक को बताना बड़ा मुश्किल है। तो मतलब कि एक संगीतकार के अलावा एक जो है इंसानी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ही कमाल शख्सियत रखते हैं उस्ताद अमीनुल्लाह खान साहब। तो आप आजकल आप भी अब इंस्टीट्यूट्स वगैरह में बहुत जगहों पे आप सिखा रहे हैं, तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि वो कौन सा ऐसा एक या कई सारे कुछ ऐसा गुण जो एकदम बिल्कुल आपने गांठ बांध ली हो, जो आपके दिमाग में बिल्कुल, और फिर आप वही तालीम आप अपने शागिर्दों को, अपने जो आपके यहाँ बच्चे सीखने आते हैं उनको आप बता रहे हो, होता है कि एक चीज कुछ बिल्कुल याद रह जाती है। वैसे तो एक पूरा सफर है 10 सालों का, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक ऐसा वाकया हो जहाँ से आपको लगा हो कि हाँ ये बात तो मतलब रह गई हो, अनजाने में आपके साथ रह गई हो और वो चीजें आप आगे भी बढ़ा रहे हो। देखिए, सबसे जो जरूरी बात मुझे लगता है मेरे हिसाब से जो मैंने सीखी है उस्ताद जी से, वो ये है कि सबसे पहला जो संगीत में होना चाहिए वो है कि आप स्वर में रहें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और स्वर के बाद जो है रूहदारी आपके गाने में बहुत ही जरूरी है होना। तो तैयारी उनका एक ही बहुत जरूरी बात कहना है कि तैयारी जो है वो गधे में भी आ जाती है। एक महीना अगर आप रियाज करें तो कोई भी तैयार हो सकता है ना, लेकिन ठहराव, रूहदारी और स्वरों में आत्मा होना, ये ऐसे नहीं आता, इसके लिए वक्त लगता है और बहुत सारा रियाज चाहिए, प्लस गुरु की श्रद्धा करनी, उनके तरफ आपका क्या, अपने हृदय में ध्यान है, आप क्या करते हैं, ये सब सारा उनका कहना था मुझे। तो यही मैं आगे भी यही चीज को बढ़ा रहा हूँ कि सबसे पहले जरूरी है कि आप स्वरों पर ध्यान दें और उसके बाद जो है तैयारी और इन सब चीजों में ध्यान दें, क्योंकि स्वर ही नहीं है तो फिर उसके बाद कुछ पॉसिबल ही नहीं। सही बात, बहुत सही बात। तो और एक कोई अगर कुछ वाकया याद हो इतने दिनों में जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ, कोई भी एक वाकया? तो ऐसे बहुत है, जैसे कई बार होता है कि गुरु जो है वो मैंने देखा है कि बैठा कर ही सिखाते हैं एक जगह पे, जैसे आप उनके घर गए वहां पे आप बैठ कर उनसे सीख रहे हैं, तालीम ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने सिर्फ घर पे बैठ के नहीं सीखा है उनसे। तो कई बार हम कैब में भी सफर कर रहे होते थे या हम कहीं जा भी रहे होते थे तो गुनगुना रहे होते थे, तो मैं उनसे पूछ लेता था कि उसका ये क्या आपने गाया, ये कुछ मतलब थोड़ा सा बता दीजिए, ये अलग सा लग रहा है कुछ। तो ये बहुत ही मतलब उनका सुंदर हमेशा ऐसा रहा है कि वो जब भी कुछ गुनगुनाते हैं, अच्छा देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है, वो थोड़ा सा ही बता देते हैं, वो पूरा मंत्र मिल जाता है, फिर उसी को हम साधना करते रहते हैं उसी को। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है आपने, बहुत अच्छी बात है उनकी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि मतलब किसी खास फॉर्मेट में हम बैठेंगे और एक घंटे ही बैठेंगे और आधे घंटे ही बैठेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब वो एक 2400 घंटे का रियाज है और वो लगातार आपके साथ, मतलब लगातार वो आपके साथ एक गुरु के तौर पे बने रहते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ आप अगर जो उनसे सीखा हो कोई ऐसी बात, मतलब कोई ऐसा राग, माफ कीजिएगा, तो वो अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। वैसे तो सब उन्हीं से सीखा है, लेकिन उसके बाद भी एक जो कुछ स्पेशल चीजें होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि आज वो भी सुन रहे हैं आपको वहाँ, तो आप ये मेरे ख्याल में नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हम दोनों को एक जगह पे लाके और ये जो इंटरव्यू किया है ये बहुत ही सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी, तो इसीलिए
बस थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ मैं, सब कुछ वैसे उन्हीं का सिखाया हुआ है, इसीलिए उसमें कोई बिल्कुल कुछ है नहीं। तो उस्ताद जी से और आप लोगों से इजाजत लेते हुए थोड़ा सा खुश रहो। जय नारायण बीत गए युग बीत गए युग पिय तुम्हारे मिलन की आस लगाई बीत गए युग पिय क्या बात है, क्या बात है, सब बढ़िया धन्यवाद आई है जी। तो अब एक सवाल जो मेरे ख्याल में आप दोनों हम मेरे साथ हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है, और आज का जो माहौल है उस पे भी जरा सा, हम सभी अभी अभी अपने घरों में हैं, पिछले बल्कि कई दिनों से हैं, और ये COVID-19 का दौर चल रहा है जिसमें कि सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अपने अपने घरों में जहाँ तक। तो ये मेरे ख्याल में किस तरह का बदलाव आप, मैं ये सवाल आप दोनों के लिए है कि किस तरह का बदलाव ये लाएगा आने वाले वक्त में, और हालांकि जैसे हम लोग भी अभी ऑनलाइन जैसे बात कर रहे हैं, साथ जो है हमारा ऑनलाइन चल रहा है, तो इसी तरह और आपने शुभम भाई आपसे भी जो बात हुई, जो आप कह रहे थे कि स्काइप से आप क्लासेस लेते हैं, उस्ताद जी भी लेते हैं, और कुछ ऑनलाइन लेसंस यूट्यूब के लिए भी मैंने जब मैं सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कुछ ऑनलाइन जो है लेसंस उस्ताद जी ने दिए हुए हैं जो कि बहुत फायदेमंद है जो अलग अलग जगहों पर बैठे हुए उनके लिए। तो यूट्यूब पे वो लेसंस तो आ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे हम अपने अपने घरों में कैद हैं और आगे आने वाले दिनों में कब तक अभी कैसा सिचुएशन होगा हमें पता नहीं, तो ये आफ्टर दिस COVID-19 ये किस तरीके से माहौल बदलेगा, और क्या ये मतलब जब आप दोनों स्काइप पे आप सिखा रहे होते हैं तो क्या ये उतना ही कारगर है या लगभग उतना कारगर है, इस पे क्या कहना? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ उस्ताद जी, देखिए आप स्काइप पे सिखाना तो मैं समझता हूँ ये मजबूरी है जी, क्योंकि हालात ऐसे हैं, क्योंकि ये संगीत एक ऐसी विद्या है जो रूबरू उस्ताद के सामने बैठ के सीखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं समझता हूँ उस्ताद के घर जाके, ये तो उन लोगों के लिए है जो बहुत दूर है जी, जो शहरों से बाहर है, क्योंकि अब मसला ऐसा है कि हम लोग अपने अपने घरों में हैं, कैद हैं, या फिर यूं समझ लीजिए भाई, और ये जरूरी भी है जी, और ये जो कोरोना है जी, ये हमें बहुत सी बातें सिखा भी रहा है जी जी, कि बहुत सारी चीजों की हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा नाजुक मौका है जब हर चीज की जरूरत है इंसान को इस वक्त, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे से परेशान है, कोई अपने राशन पानी को लेकर परेशान है, कोई अपने काम को लेकर परेशान है, तो मैं समझता हूँ सब चीजों की कदर करनी चाहिए, साफ सुथराई का ध्यान रखना चाहिए, और तो ये सब रहेगा बाद में भी, और इंशाल्लाह दुआ यही है कि कोई ऐसी दवाई वाई निकल आए, कोई जल्दी से वैक्सीन आ जाए जो ये तकलीफ भी दूर हो जाए दुनिया से, और हम लोग फिर पहले जैसे हो जाए, लेकिन क्योंकि हम लोग घर पे हैं तो मैं समझता हूँ इसका फायदा उठाना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, और क्योंकि वक्त है भी आपके पास, और अभी आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई वक्त नहीं मिला या फिर बिजी हैं, तो ये ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप, आपको घर में आराम से रियाज कर सकते हैं, आपके पास पूरा मौका है, आप अच्छे अच्छे कलाकारों को सुने, उनकी बातें अच्छी अच्छी बातें अपनाएं, और गवर्नमेंट का पूरा पूरा साथ दें, और जितने भी हमारे जो COVID-19 से लड़ने वाले जो योद्धा हैं, पुलिस है, डॉक्टर्स है, सफाई कर्मचारी है, नर्सिस है, सबकी इज्जत करें, उनको पूरा सहयोग दें, और गवर्नमेंट के साथ उनकी बातों का अमल करें। जी, बहुत अच्छी बात है जी। अब शुभम भाई आप जैसे आप
ये सवाल तो यही रहेगा, तो बस ये है कि आप जैसे नए दौर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो और उसमें मैं थोड़ा सा सवाल को उसी को इस तरीके से देख रहा हूँ कि क्या आप कंफर्टेबल हैं इस चीज का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे साथ भी ये है, जैसे कि हमारे आपके जब हमारे वालदेन जो है व्हाट्सएप यूज करते थे, फेसबुक यूज करते थे, तो वो उतने कंफर्टेबल नहीं उसके साथ, लेकिन शायद हमारी जो पीढ़ी है वो थोड़ी हुई और आने वाली पीढ़ी है वो और ज्यादा होती है, एचडीडी भी सीख लेती है कंप्यूटर के, लैपटॉप के कीबोर्ड पे। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस नए सिचुएशन को, क्या इसके बाद किस तरह की लाइफ होगी, एक बात, और दूसरी बात की कैसे अंतर होगा सीखने सिखाने में जब आप स्काइप पे सिखाएंगे, सिखा रहे हैं। जी जी, देखिए मैं तो वैसे भी 12 साल से घर से बाहर हूँ, इसीलिए मैं हर चीज में एक्चुअली पॉजिटिविटी ढूंढ लेता हूँ। तो ऑल्दो कोरोना का टाइम चल रहा है और सब कुछ है, और ये सब पहले भी हुआ था और ये हमेशा होता भी रहेगा हर थोड़े टाइम में, ठीक है, लेकिन बात ये है कि आप उससे क्या बढ़िया चीज निकाल सकते हैं। तो अभी भी मैं क्लासेस जो है, जो बाहर के लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, वो तो पहले भी स्काइप पे लेते थे, अभी भी क्लासेस स्काइप पे ही ले रहे हैं। बट अभी ये मुश्किल हो गई है कि जो यहाँ पे सीखते थे, जो सामने बैठ के, जिसको हम सीना बसीना तालीम बोलते हैं, सामने बैठ के जो तालीम होती है, ठीक है, तो वो नहीं है। तो उसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो है कहीं ना कहीं, तो प्रोज एंड कॉन्स तो देखिए सब में होते हैं, लेकिन उसमें एक ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है वो उन तक भी संगीत पहुंच रहा है। तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ भी है, तो बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए मैं तो यही सोचता हूँ कि ये भी जो है टाइम अच्छा है, आप थोड़ा सा सीखें, लेकिन आपके पास रियाज का बहुत समय है तो आप थोड़ा सा सीख के आप आधे घंटे की भी क्लास लें, लेकिन आपके पास दिन भर है रियाज का। तो जिनको संगीत ही सिर्फ करना है, उसी की साधना करनी है, तो आप आधा घंटा भी सीख लें और उसके बाद उसी चीज का रियाज करें, मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं। जी जी, बहुत अच्छी बात कही सुमन भाई आपने। और तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन वगैरह का तो ये इंटरव्यू का सिलसिला तो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन अब हम कुछ लाइव कमेंट्स लेते हैं। और सुमन भाई को एक बार स्क्रीन पे लाइए राहुल जी, तो आप भी सुन पा रहे हैं सुमन जी? जी जी जी, हाँ, तो ये इसका सिलसिला हम यहाँ पे अब रोकते हैं, और अभी आप बने रहिए हमारे साथ, और इस पूरे सेशन के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद जी अभी बने हुए हैं, आप भी बने रहिए और सुनते हैं उस्ताद जी के लिए जो लाइव कमेंट्स आ रहे हैं, तो कुछ चीजें हम उस्ताद जी के लिए सुनते हैं। तो उस्ताद जी जो लाइव कमेंट्स अब हमारे जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं, मैं पुराने कमेंट्स भी एक बार जरूर देखता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, और अभी आप कमेंट्स कर सकते हैं तो मैं उन्हें पढ़ूंगा और उस्ताद जी तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे कमेंट्स पहुंचा पाऊँ। काफी सारे कमेंट्स हैं तो प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो प्रणाम कह रही हैं, विनय ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, भारत भूषण जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार उस्ताद जी कह रहे हैं, हबीब साहब जुड़े हुए हैं, और हबीब साहब का एक सवाल था कि कहीं पे देख रहा था उस्ताद जी रियाज को लेकर भी थोड़ा बताइए कि क्या करना चाहिए रियाज, ये एक सवाल उस्ताद जी के लिए। देखिए अभी जैसे शुभम ने बताया कि सुर साधन बहुत जरूरी है, और जितना हो सके सुर साधन करें, पहले जो सात सुर हैं उनको मांझे, 12 सुर जो है, और मैं सबसे पहले अपने शागिर्दों को सा और पा करें सुनाता हूँ। जी जैसे जी आप थोड़ा सा पा नीचे का पा जी पा सा, तो ये अंदाज ये इस पे कर सकते हैं रियाज, या फिर जो लो नोट्स हैं सा नी धा पा मा पा धा नी, जिससे आपके गले भेस बने और आपके जो गला जो है वो खुले जी। तो ये सुबह सुबह उठ के, सुबह जल्दी उठे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारे जो सांस में फर्क पड़े, हमारी जो फेफड़े मजबूत हो, और ये बहुत जरूरी है कि आप सुबह सुबह जल्दी उठ करके इन चीज़ों का रियाज करें जो मैंने चीज़ें बताई हैं। तो शुरुआत तो कम से कम शुरुआती बेसिक चीज़ें तो ये हैं जो शुरुआत के 3 महीने से 6 महीने आपको ही करनी चाहिए। जी जी, तो ये हबीब साहब के लिए था। फिर कुशाग्र शर्मा जी लिख रहे हैं कि मैं उज्जैन से जुड़ गया हूँ, और मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ कमेंट्स में।
कमेंट्स हमारे पास, वाह, मतलब काफी लोग सब देख रहे हैं और सब प्रणाम और ये सब सारे कमेंट्स हैं, मैं उसको एक एक कर फिलहाल नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ पे, अच्छा, निशान जी कह रहे हैं कि उस्ताद जी, आदित्य भाई उस्ताद जी से ये गाना के लिए अनुरोध कीजिए, मेरे नैना का जो उन्होंने, अच्छा ये बहुत अच्छी बात उन्होंने याद दिलाई। दरअसल जब मैं बात कर रहा था कि आप दूसरा भी जब क्या करना, एक सवाल था मेरा और, तो मैं ये बहुत अच्छा याद दिलाया इन्होंने कि वो एक्टिंग के साथ साथ जो है ये भी चीज है कि आपने लिखा भी है कुछ कुछ कभी कभी, तो मेरे नैना का एक पूरा आपने एक पूरा स्टांजा शायद आपने लिखा था, तो वो अगर आप चाहें तो आप उस्ताखी की है वो। दरअसल ये तीन शेर का गाना है, किशोर साहब ने तीन शेर में तीन अंतरों का गाना उन्होंने गाया है जी, तो जी। पता नहीं ऐसे एक बार मिजाज मून सा बना, मैंने इसका चौथा शेर बना दिया जी जी, तो वो पता नहीं आप लोगों को पसंद कितना पसंद आएगा, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, वाह, फिर भी मेरा मन प्यासा, जब से तुम बिछड़े चैन नहीं मुझको है, अब तक तो मैं सोच रहा था कैसे उसको भूलूं, दिल का भेद न खोलूं, बन जाए ना इस दुनिया में अपना प्यार तमाशा, फिर भी मेरा मन प्यासा, आहा क्या कहना, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, आहा क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी आपका। और अभी मैं देख रहा था विभूति जी ने भी इसी गाने की फरमाइश की थी, तो उनका भी हो गया। और कई सारे और कमेंट्स हैं, जब जब आप गजल के वक्त के कमेंट्स हैं, जब पसंदीदा गजलों में से एक, और अवधेश शर्मा जी लिख रहे हैं कि जी बिल्कुल गुरु जी आधुनिक युग के द्रोणाचार्य हैं, मैंने भी जब से गुरु जी को सुना टैब पे रोज ही सुनता हूँ उनको, तो ये सारे जी बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। केशव झा जी लिखते हैं कि मैं एक कोई गजल अर्ज करना चाहूंगा। जी केशव जी आप टाइप करके बताएं कौन सी गजल, या कोई सवाल भी हो अगर किसी का और भी, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, और मैं तब तक उस्ताद जी से बात कर रहा हूँ। और भी कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कि एक दो और फरमाइश है दरअसल आपके लिए जी। एक है हर दर्द को, सुशांत जी लिख रहे हैं कि हर दर्द को जान में, क्या बात है, क्या बात है, तो अगर वो आप बिल्कुल जी 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 जरूर जरूर। हर दर्द को जान में छुपा लूं,
हर जान में सीने में छुपा लूं छुड़ी है मेरी ने बिछड़ा है तू जब से बिछड़ी है मेरी बिछड़ा है तू जब से जी चाहे तुझे ख्वाबों में बुला जी चाहे तुझे ख्वाबों में बुला क्या कहने हैं। बहुत सारे कमेंट इसी बीच में आ रहे थे कि दिल को छूने वाली गायकी है और प्रणाम लिख रहे हैं। शुक्रिया। और तो प्रणाम लिख रहे हैं। अवधेश शर्मा जी लिख रहे हैं गुरुजी को सुनते हैं तो लगता है कि सुनते ही जाओ, सरल स्वभाव है। अब एक दो और अगर आप एक दो और गुजारिश है अगर आप कहें कि बिल्कुल करोगे याद तो विभूति जी लिख रहे हैं, होठों को छू लो तुम लिखा जा रहा है, तो ऐसे कई सारे फरमाइश हैं तो आप प्रतिभा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़ी प्यारी उन्होंने समझ की है। पादी से मैं कहूंगा कि जो ना वो माइक को बिल्कुल पिन अप कर लें, वो हिल रहा है। सरजी माइक आपका मेरी आवाज आ रही है, माइक आपकी आवाज बीच में चली जा रही है, तो माइक को कहीं पिन अप कर लें या पास ऐसे रख लें। बीच में मैं कमेंट तक पढ़ता हूँ। प्रवीण कुमार यादव जी भी कमेंट कर रहे हैं, उस्ताद जी को नमस्कार, चरण स्पर्श, भूषण भाई आपको भी प्यार जी, तो वो जी भाई को पास कर लिया मैंने जी 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 अभी ठीक है। हो तुमसे छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, हो तुमसे छुलो मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छुलो मेरा गीत अमर कर दो, आहा जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हर दम हरा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, मेरी जीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो। जी ये फरमाइश करोगे याद तो, अच्छा कभी गाए नहीं लेकिन मैं
इंशाल्लाह अगली बार सुनूंगा। और अच्छा जी जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि वैसे परवरिश तो बहुत सारा आ रहा है लेकिन समय की भी थोड़ी पाबंदी है, और शुभम आपके लिए भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक मैसेज जी मैं चाहूंगा कि दो लाइन शुभम आप भी गुनगुनाएं और फिर उस्ताद जी अपने मन का कुछ अंत में गुनगुनाएंगे और उसके बाद जो है हम अपने प्रोग्राम के जो है आखिरी उस पर पहुंचेंगे। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ शुभम भाई आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी गजल शुभम भैया भी कुछ गजल गुनगुनाए, कई सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि दो लाइन आप भी कुछ सुनाएं। हाँ ठीक है, गजल है चंदन दास जी की। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे आँखों में जो मेरे आँखों में जो बहता हुआ ये पानी है, क्या बात, मेरे आँखों में जो मेरे आँखों में जो बहता हुआ ये पानी है, तेरी चाहत के आखरी निशानी है, मेरे आँखों में जो। धन्यवाद, क्या बात क्या बात है क्या बात है। अब हम बहुत बहुत अच्छा सुनाया शुभम भाई आपने। अब उस्ताद जी की ओर मुड़ते हैं और वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं माफी चाहूंगा उन सबसे कि मैं सबका तो सबकी फरमाइश तो नहीं ले पाऊंगा, तो थोड़ा सा वक्त का भी वक्त का ऐसा तकाजा है, तो लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ अपने मन का उस्ताद जी से हम लोग जरूर सुनना चाहेंगे मेरे ख्याल में, और जो कि सिर्फ दो लाइन नहीं जो कि थोड़ा सा ज्यादा हम लोग सुनेंगे क्योंकि सुनने से तो मन भरता नहीं है आपका तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने मन का एक आखिर में आपको जो भी पसंद आए वो अपने मन का कुछ हमारे दर्शकों के लिए, मेरे लिए और तमाम हमें सुनने वालों के लिए आप एक बार गुनगुनाते हैं। देखिए मैं एक ऐसा सीन फनकार है, अगर नहीं नाम लूँ तो बहुत बेइंसाफी होगी जी, क्योंकि मैं मोहम्मद रफी साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। जी जी जी, तो उनका बड़ा खूबसूरत है जो हम सभी दरअसल उनके बड़े फैन हैं। जी जी, गाना है जो मेरे दिल के बहुत, हाँ मेरे दिल के बहुत करीब रहा है बचपन से जी, और तो वो मैं उसके एक अंतरा सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। आदित्य जी दो मिनट तब तक शुभम जी से हम दो लाइन गुनगुना लेते हैं। जी जी, जब तक वो तैयार हो रहे हैं जी, जब तक उस्ताद जी तैयार हो रहे हैं तब तक शुभम भाई आप ही कुछ सुना दें हमें, एक लाइन दो लाइन कुछ जो आपको अच्छा लगे। एक बहुत ही फेमस गजल है हरिहरन साहब की, ये बस दो ही लाइन गुनगुना। काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, तेरे कांधे पे मेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता। धन्यवाद। एक जी उस्ताद जी आ गए मेरे ख्याल में। हेलो जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। जी 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 बिल्कुल आ रही है। चलिए
जी अभी हम तब तक शुभम भाई से सुन रहे थे और जब तक आप उधर तैयार हो रहे थे तो बहुत अच्छी एक गजल सुनाई है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। और फिर हम ये अब धन्यवाद ये गजल आपके अपने मन से। जी उस्ताद जी जी मुरादा हो बहुत सुनाना है साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दिन ढल जाए रात न जाए तू आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू आए सताए दिन ढल जाए प्यार में झूमते सब जग छोड़ा और हुए उनके ही हाल हुआ बैठे हैं दिल को अपने कभी थे पराए दिन ढल जाए रात न जाए तू सुनाए तेरी याद सताए दिन ढल जाए। शुक्रिया बहुत क्या बात बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे एपिसोड को एक नया मुकाम हासिल हुआ आप दोनों के जुड़ने से। उस्ताद जी तो मतलब उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए, और सुभाई आप भी जुड़े बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत सारे कमेंट भी बीच में आए। मैं थोड़ा सा वक्त का तकाजा है तो मेरे ख्याल में मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि सब फरमाइशें मैं नहीं ले सका, किसी और दिन जरूर हम जी जी प्यास बाकी जी कुछ प्यास बाकी भी रहनी चाहिए कि अगली बार फिर जुड़ने का मजा आता रहे। तो अब मुझे लगता है कि हम प्रोग्राम के बिल्कुल ही अंत में पहुंच चुके हैं। अगर एक लाइन सुबह है आप और फिर उस्ताद जी अगर कोई आप भी एक संदेश देना चाहें तो वो आप लोग, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम इस में फंसे हुए हैं इस सिचुएशन में, तो मैं चाहूंगा कि एक एक लाइन हम आप दोनों से लें और फिर जो है प्रोग्राम का वहीं पे। जी शुभम भाई जी बस इस वक्त तो यही है कि सब अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि ये जो वक्त है वो सबके लिए ही इस समय मुश्किल में है, तो ये किसी से किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता कि ये ज़्यादा मुश्किल में है वो ज़्यादा मुश्किल में है, और ना हम कंप्लेन कर सकते हैं किसी को क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंस हैं। तो इसके लिए हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं जो हम लोगों के पास सब साधन है और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि अपना अच्छे से ख्याल रखें, और जो लोग उनके आसपास हैं जितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं एक दूसरे की ये वही वक्त है, और अपना ध्यान साधना करें और संगीत बढ़िया संगीत सुने ये ज़रूरी है, इसी से जो है स्ट्रेस भी है जो वो कम होगा क्योंकि संगीत और ध्यान बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो संगीत और ध्यान बहुत ही अच्छा माध्यम, बहुत क्या क्या खूबसूरत बात कही सुबह भाई आपने। अब मैं उस्ताद जी की ओर चलता हूँ और मैं चाहूंगा कि नए सीखने वालों के लिए और तमाम जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश, और अगर एक लाइन मुझे कई बार एक गुजारिश कई बार आ रही है, केशव झा जी हैं वो कह रहे हैं चुपके चुपके अगर थोड़ा सा, तो अगर एक लाइन गुनगुना दें और फिर एक आप उसके बाद संदेश आप कहें और फिर तो बहुत अच्छी शाम का बहुत अच्छा जो है एक अंत भी हो जाएगा। तो मैं भी जी
रात दिल बहाना याद है चुपके रात दिल बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिल बहाना याद है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, ये हिम्मत रखने का है। हम सबका इम्तहान का वक्त है, पूरी दुनिया के लिए इम्तहान का वक्त है। खुदा इस बीमारी को जल्द से जल्द दूर करे और अल्लाह ताला हम सबको फिर पहले जैसा आज़ाद और खुशगवार बनाए और खुदा सबको उम्र दे। जैसा कि शुभम ने कहा है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास का ध्यान रखें कि भाई वहाँ कोई भूखा तो नहीं है, क्योंकि रमज़ान चल रहा है। जिस वक्त रोज़ा खोले हैं तो दूसरों का भी ख्याल करें कि आपके आसपास लोगों ने रोज़ा खोला नहीं खोला है, बच्चे कोई भूखे तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हम सबकी लड़ाई है, हम सबका इम्तिहान है, हमें साथ मिलकर इसे जीतना है। तो शुक्रिया बहुत बहुत, मैं इत्या भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया और जितने भी लोग इस टीम से जुड़े हैं मैं सबको शुभकामनाएं और शुक्रिया बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात थी कि आप जुड़े हमारे साथ और इतना वक्त दिया हमारे लिए। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं अब बस उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। सब अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जैसा कि उस्ताद जी ने भी कहा और शुभम भाई ने कहा। तो अब ये प्रोग्राम अपने मतलब अंत की ओर पहुंच रहा है और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। वातायन का ये पहला एपिसोड था, आप हमें ये भी ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको, और हम अगले एपिसोड्स में और जुड़ते रहेंगे दूसरे किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।